श्रीगुरोन्वैष्णवाश्रीरूपं सार्ध जातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हरे राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामयं विष्णुपादाय नामयं गुरुदेवाय धीमते समवर्तय भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मन शास्त्र प्रचारिणी सते शास्त्र शास्त्र सद्व्याख्या निपुणाय महामते ब्रह्म सूत्र श्रुति स्मृत भाष्यकारिणी शास्त्र ततस्तत्र विप्रतिपतिनाशिनी वैष्णवाचार्य देवाय नित्यकल्याणदायिने नाम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणति नामिने श्रीकृष्णचेला कथने सुदक्ष नामयां विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय सहस्रता नञ्च बालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिनि नामयां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रमाण श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग गुरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमः। गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बदे पादाम्बुजायते नमः। नाम भक्तिवृन्दाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभरायते गौरवाग्रभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावनाल साम संसार
Thank you.
Thank you.
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल Thank you.
Yeah.
वेदान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्री मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्री मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? श्री पृथ्वी महाराज जी हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति? क्या बोले? प्रभु मैं केवल आपका भक्तों का संग चाहता हूँ। बोले भक्तों का संग क्यों चाहते हो? बोले कारण है जो भक्त लोग है आपकी चरण की जो मधु है वो मधु का हर समय पान करते हैं और उनका हृदय से हर समय तुम्हारी कथा भी मंदाकिनी की नदी बहती है। इसलिए हे प्रभु इसलिए मेरे को 10,000 कान दे दो। कितना कान? 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? बोले कारण है जहाँ जहाँ कथा हो रही है कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए, जहाँ जहाँ कथा हो रही है मैं उतना रूप धारण करते हुए वहाँ पर पहुँचो और तुम्हारी कथाओं को मैं श्रवण करूँ। हैं ये एक है। और दूसरा अर्थ है दोनों कानों में जितने शक्ति दो, 10,000 कानों में जितने शक्ति, मतलब हर समय तुम्हारी कथाएँ सुनते हैं। और कल हम लोग सुन रहे थे ना कैसे ब्रजवासी हर समय भगवान की कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा को आपस में चर्चा करते हैं। इसलिए उनके ऊपर में ये संसार का कोई भी दुख कष्ट जो भाव वेदना संसार का जो दुख है उनको पर कुछ भी दुख कष्ट नहीं। बोले क्यों? बोले हर समय कृष्ण कथा कृष्ण लीलाओं को हर समय वर्णना करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर समय भगवान की कथा बोले हर समय भगवान की चर्चा में लगे रहे उनको ऊपर में संसार का कोई भी दुख कष्ट नहीं। अगर कृष्ण कथा अगर नहीं सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे फिर तो दुनिया की कथा बोलेंगे, हैं? फिर दुनिया की कथा सुनेंगे और दुनिया की कथा बोलेंगे और दुनिया की जो कथा है दुखदायी सुखदायी नहीं। किसी व्यक्ति के पास में बैठ जाओ, बस घर में ये हो गया, घर में ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, घर में ये, ताकि केवल दिन भर दूसरे चर्चा। इसलिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। अभी एक श्लोक में कहते हैं बोले प्रभु अथा भजत्वाखिल पूर्व स्वतमम गुणालय पद्म करीन लालस अस्या बयोरेक पतिम स्पृधा कलीन स्यात् कृत तो चरण का नयो। यहाँ पर कह रहे बोले हे प्रभु कहते लक्ष्मी हैं, कहते जैसे लक्ष्मी हर समय समुत्सुक होकर के तुम्हारी सेवा करती है। लक्ष्मी क्या करती है? दिन भर ठाकुर के चरण की सेवा करती है। देखना कभी भी लक्ष्मी प्रभु का चरण कभी नहीं छोड़ती, हर समय प्रभु की चरण की सेवा करती है। कहते मैं भी ठीक ऐसे ही लक्ष्मी जैसे हैं पद्मा करे रेब लालस, लक्ष्मी जैसे ही
मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपनी जो आप कौन हो बोले पुरुषोत्तम है, पुरुष में आप उत्तम हो, आपका अंदर में जितने सारे गुण हैं आपके अंदर में ये विद्यमान है। इसलिए हे नाथ कमला वो आमी कहते अभी क्या हो गया, कमला मतलब लक्ष्मी वो भी क्या करती है प्रभु की चरण सेवा करती है, अभी मैं भी चाह रहा हूँ मैं भी चरण सेवा करूँगी। अब दोनों अगर एक सेवा करने के लिए चाहेंगे करेंगे तो उसमें क्या होगा, कभी कभी झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो सेवा करती है मेरे को भी सेवा, अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, लड़ाई होगा ना, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए हैं एक बार कहते क्या हम फिर हमारे अंदर में फिर क्या लड़ाई नहीं होगी झगड़ा नहीं होगी, किंतु सेवा तो एक ही है और दोनों व्यक्ति जा रहे, लक्ष्मी तो हर समय चरण लेकर बैठी हुई कभी छोड़ती नहीं, और मैं कह रहे हूँ मैं भी लक्ष्मी जैसे चरण की सेवा करेगी, फिर तो एक पति की अगर दो पत्नी हो जाए फिर लड़ाई हो जाए, लड़ाई से हो जाएगी। कहते क्या फिर लड़ाई नहीं होगी तुम दोनों के अंदर में। तब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रधर यहाँ पर कहते हैं, कहते प्रभु मैं आपकी चरण की सेवा प्रार्थना करता हूँ। बोले बोले कैसे, बोले आ भजे हैं, कहते आ भजे मतलब क्या है, कहते अनंतर सम्यक निश्वास निष्काम होकर के हैं, कहते सम्यक रूप में निष्काम होकर केवल भक्ति न तो ज्ञान कर्म योग हम कुछ नहीं चाहते हैं, कि गुणी भुक्ता भक्ति नहीं, हम केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। कहते जैसे नारद आदि जैसे सेवा करते हैं ऐसे क्या सेवा करना चाहते हैं, बोले नहीं ऐसे सेवा नहीं करता हूँ। नारद क्या करते हैं, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नामी, नारद जी हर समय वीणा बजा करके भगवान की गुण कीर्तन करते हैं। कहते तुम क्या नारद जैसे सेवा कर रहे हैं, क्या ऐसे सेवा चाहते, बोले नहीं ऐसे नहीं सेवा चाहता, बोले फिर क्या चाहते हो, बोले लक्ष्मी रेव और न्याय, लक्ष्मी जैसे सेवा करती है ऐसे, बोले लक्ष्मी क्या करती हैं, बोले भगवान की मंदिर मार्जन करती हैं, घर को लेपन करते हैं, पाद समान करती हैं, ठाकुर जी को चामर व्यंजन करती हैं, ठाकुर जी को तांबुल प्रदान करती हैं, हैं कहते मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, हाँ नारद जैसे गुणगान नहीं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ। कहते भैया यहाँ पर तो लालसा बहुत बड़ी लालसा है, हैं कभी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ना तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदान सरादिवी, हैं भगवान का तांबुल अर्पण करना, भगवान की पानी की जहरी देना, उनकी चरण सेवा करना, यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे क्या ये ऐसे सेवा चाह रहा है, जैसे गोपियाँ जैसे मंजरी जैसा राधा रानी की कृष्ण की जैसे सेवा करना चाहते हैं, क्या ऐसे सेवा चाहते हैं, बोले नहीं यद्यपि लगता है ऐसे लेकिन ऐसे सेवा नहीं, क्योंकि बोले चे तीन बोले चल लक्ष्मी जैसे से कैसी सेवा, लक्ष्मी जैसे सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी चरण की सेवा करती है इसलिए लक्ष्मी के अंदर में कौन सा भाव है, बोले लक्ष्मी के अंदर में दास्य भाव है लक्ष्मी के अंदर में, इसलिए लक्ष्मी जैसे सेवा करना चाहते हैं, हैं क्योंकि जो लक्ष्मी है हर समय ठाकुर जी के चरण की सेवा में ही लग्न रहती है। हरिले और निजर यहाँ पर कह रहे जब लक्ष्मी जब कोई सेवा करने चाह रही है फिर तुम वहां पर टांग अड़ाना चाहते हो, उनको तो सेवा करने दो, लक्ष्मी तो ऑलरेडी सेवा तो कर रही है ना बैठी बैठी करके, फिर तुम वहां पर जोर जबरदस्ती क्यों करने के लिए जा रहे हो, बहुत सारी सेवा तुम दूसरे सेवा करो। कहते यहाँ पर कहते हैं एक होता है वीर, है कहते एक होता है वीर रस का भक्त होता है, कहते इनका वीर रस का भक्त का क्या लक्षण है, हैं परम भक्ति है लोग निजर वीर भक्तो तो ही द्वतना करते बोलते छे हमारा वो लक्ष्मी जैसे, कहते हम भी लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी करते रहे ना, हम भी ऐसी सेवा करना चाहते हैं। कहते भैया फिर तो लड़ाई होगा, फिर दोनों में लड़ाई होगा। कहते कैसे, बोले जिस समय श्री पृथ्वी महाराज यज्ञ के अनुष्ठान कर रहे थे उस समय इंद्र ने क्या किया, उनको यज्ञ को नष्ट करने के लिए जा, क्योंकि इंद्र भी सौ समृद्ध यज्ञ करके इंद्रपद को प्राप्त किया, इसलिए जब पृथ्वी महाराज सात समृद्ध यज्ञ करने जा रहे थे टांग अड़ाया लड़ाई किया ना उन्होंने उनको घोड़ा पर चोरी किया, कि जैसे वो दोनों को अंदर में लड़ाई हुई फिर तो तुम्हारे अंदर में भी से लड़ाई होगी, एक सेवा को दोनों पारना चाहते हो, हैं
यहाँ पर कह रहे हैं तो देखो एक काम कर लो, आपस आपस में लड़ाई भड़ाई मत करना। लड़ाई नहीं करे क्या करो? बोले क्या? बोले पहले एक सेवा कर ले, जब वो चरण दबा लेगा तुम जाकर फिर चरण की सेवा करो। हैं, एक चरण सेवा कर लेगी फिर तुम जाकर ठाकुर का चरण सेवा करो, फिर लड़ाई होगी नहीं। हैं, फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। तब तब यहाँ पर कहते नहीं, कृतत्वर्चने कथा नयो, कहते ये इसका मतलब कह रहे हैं प्रभु आपका चरण जुगल को अभिराम, मतलब हर समय में। ऐसे ने एक चरण सेवा कर दिया फिर दूसरे आकर चरण सेवा करके बोले ऐसे नहीं चाहता हूं मैं, निरंतर रूप में आपके चरण की हम सेवा करना चाहते हैं। फिर तो लड़ाई होगी, फिर तुम्हारी दोनों को अंदर लड़ाई होगी। तब यहाँ पर कह रहे हैं नहीं लड़ाई नहीं होगी। बोले क्यों लड़ाई नहीं होगी? तो इसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं, कारण क्या है? जगत जनन्याम जगदीश्वर वैषम सदेव सत्कर्मणि न समहितम करोसि फल गोप्युरुदिन वत्सल स्वएव धीष्ण अभि रतस्य किम। यहाँ पर कहते इसलिए लड़ाई नहीं होगा क्योंकि बोले हे जगदीश, लक्ष्मी के साथ में अवश्य ही क्या होगा, विरोध होगा। कारण क्या? बोले कारण ही हैं, कारण है मैं भी सेवा चाहता हूँ, वो भी सेवा करना चाहती है, दोनों ही सेवा करना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई तो होगा। लेकिन होने पर भी मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ। बोले कारण क्या, पीछे क्यों नहीं हटोगे? बोले कारण है जो भगवान है वो दीन वत्सल है, भगवान दीन को ऊपर में ठाकुर जी वत्सल है, दीन को ऊपर कृपा करते हैं। हैं, सुतरा अपना भक्त कृत तुच्छ, क्योंकि भगवान के अंदर में एक विशेष गुण है, कहते अल्प सेवा बहु परिमाण। भगवान के अंदर अगर कोई थोड़ी सी ठाकुर के लिए कुछ कर दे ना, ठाकुर को ऐसे लगता है मेरे लिए जैसे बहुत कुछ कर लिया। कहते भगवान के अंदर में ये एक विशेष गुण है, भक्त का तुच्छ सेवा को भी उन लोग भगवान बहुत करके मानते हैं। हैं, और भगवान कौन है? कहते भगवान परमानंद स्वरूप में अवस्थान करते हैं, भगवान हर समय आनंद, आत्मा राम आप काम, भगवान हर समय आनंद में रहते हैं। आनंद में रहने का नाते जब स्वयं आनंद में रहते हैं, लक्ष्मी को भी भगवान को लक्ष्मी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं हर समय जब आनंद रहते हैं, लक्ष्मी की क्या जरूरत है? लक्ष्मी को भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान में मेरे ऊपर में ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे, इसका साधारण अर्थ है। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, कहते भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में हैं, वहाँ पर एक भक्ति रूप गोस्वामी वहाँ पर कहते हैं, कहते जो व्यक्ति एकांत रूप में भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, मतलब क्या, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण ही हमें जरूरत है, अनन्य रूप में, जैसे कृष्ण गीता में कहते मत मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते ना हे अर्जुन, मन मना अपना मन को केवल मेरे को दो, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनना, पूजा करना तो मेरे ही पूजा करना, और नमस्कार करना तो मेरे को ही नमस्कार करना, और किसको नहीं। तो ऐसे करोगे तो क्या होगा? माम एससी, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। भगवान की ये के विशेष भगवान की प्रतिज्ञा है, आश्रय करे जिन्हें कहा कि आप करे ना कृष्ण अतुल प्रेम करे ताकि विरक्त बोला, ताकि उसको कौन सा भक्त कहते हैं? कहते उसका वीर भक्त कहते हैं, उसी तरह उसको वीर भक्त कहते हैं। कहते यहाँ पर श्री पृथ्वी महाराज कह रहे हैं, हैं लक्ष्मी और हमारे अंदर में विरोध हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जो सेवा कर रही है मैं भी वही सेवा करना चाहता हूँ, हो सकता है जब एक ही सेवा दोनों चाहते लड़ाई हो सकता है। हैं, बोले जत कर्मणि न समिहितम सेवार जन उभर इच्छा, दोनों सेवा करने के लिए इच्छा। तब यहाँ पर कहते हैं भैया फिर लक्ष्मी कहाँ रहती है? कहते लक्ष्मी रहती है भगवान के बक्ष स्थल में, ठाकुर का बक्ष स्थल में लक्ष्मी की, कहते स्वर्ण रेखा रूप में लक्ष्मी की निवास है। कहते लक्ष्मी का स्थान तो भगवान की बक्ष स्थल पर, लक्ष्मी अपना बक्ष स्थल में रहे
और अवस्थान करें, और जो मैं क्या करूंगा, मैं चरण की सेवा करूंगा। लक्ष्मी बक्ष स्थल में रहेगी, अपने चरण की मैं सेवा करूंगा। तो इनारे तो आग्रह के तीन चरण सेवा छड़ा जन धारण करते पार्थे ये भाव। तब यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मी की इतने आग्रह क्यों चरण सेवा करने की, इसलिए लक्ष्मी बक्ष स्थल में रहे। बोलते नहीं, जो लक्ष्मी है ये भगवान की चरण की सेवा को छोड़ करके लक्ष्मी कभी रह ही नहीं सकती। इसलिए देखना भगवान हर समय लक्ष्मी की, लक्ष्मी ठाकुर का चरण को लेकर दिन भर बैठी रहती हैं। यदि बोले देखो तुम्हें अरबाची, अगर इनको पूछा जाए देखो तुम तो अरबाची, मतलब तुम नया भक्त हो, हैं अरबाची तुम्हारे अंदर गुण नहीं, लेकिन वो तो प्राचीन कौन है लक्ष्मी प्राचीन, तुम नए भक्त हो तो अनादिकाल से लक्ष्मी ठाकुर का चरण सेवा कर रहे हैं, और तुम निकृष्ट, लेकिन लक्ष्मी श्रेष्ठ है, महती है, तो उसको संगे कैसे, तुम उसको साथ में विरोध कैसे कर सकते हो। तब यहाँ पर कहते उनको साथ में फिर तुम विरोध कैसे करोगे। तब यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो जैसे इंद्र और मेरे अंदर में लड़ाई हुई, मैं कोशिश कर रहा हूँ यज्ञ करने के लिए, इंद्र बार बार घोड़ा को चोरी कर रहे थे, लेकिन उसी समय में ठाकुर जी किसका पक्ष लिया है, किसकी पक्ष लिया ठाकुर जी, ठाकुर जी मेरे पक्ष लिया, इंद्र का पक्ष नहीं लिया है। इंद्र तो पुराण भक्त है, इंद्र तो पुराण भक्त है, अरे मैं नया भक्त हूँ हैं इंद्र, लेकिन किसका साथ देने वाला था, पुराना भक्त, लेकिन ठाकुर जी नए भक्त का साथ दिया। उसी तरह लक्ष्मी तो पुराना है, लेकिन होने पर भी मैं तो नया हूँ ना, इसलिए ठाकुर जी क्या करेंगे, मेरा पक्ष को ग्रहण करेंगे। और क्योंकि भगवान के अंदर में एक विशेष गुण है, क्या गुण है, तुच्छ सेवा के भी ठाकुर जी की, थोड़ी सी कुछ देना ठाकुर जी को, ठाकुर फिर से ही खुश हो जाते हैं। ठाकुर हमारे जैसे नमक आराम नहीं, जिंदगी भर करो, अगर थोड़ी सी भूल चुक हो जाए एक्साइट कर दे जा चले जा। भगवान ऐसे नहीं, सुदामा की दो मुठ चिड़िया खाए त्रिभुवन का राज्य दे दिया है, भगवान के अंगुल कट दिया, द्रौपदी थोड़ी बैंडेज कर दी, और भरी सेवा में उन्होंने उसको लाज बचाई। इसलिए यह कहते हैं कहते भगवान के अंदर में ये भक्तवत्सलता है, हैं लक्ष्मी के की भय। तो यहाँ पर कहते हैं क्या लक्ष्मी से तुम्हारा कोई डर नहीं है, वो पुराण भक्त है, लक्ष्मी से कोई डर नहीं है। कहते उसमें कहते हाँ, कहते मैं नहीं डरता हूँ लक्ष्मी को, हैं कहते नहीं डरता हूँ। बोले क्यों नहीं डरते हो, हाँ की कहते हैं किच्छु ही नहीं, कहते वो लक्ष्मी की हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लक्ष्मी का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लक्ष्मी की हम नहीं डरता हूँ, हैं कहते हैं अपना कृपा द्रेकई अमर सामर्थ भक्ति रसामृत सिंधु में, फिर वहाँ से एक श्लोक कह रहे हैं तुम लक्ष्मी को क्यों नहीं डरते हो। कहते भक्ति रसामृत सिंधु में एक वीर भक्त का उदाहरण दे रहे हैं, वीर भक्त का क्या उदाहरण है, कहते ये प्रलम्भारिशु जो बलदेव है, बलद कृष्ण भी ईश्वर बलदेव पर भी ईश्वर है, लेकिन कोई एक भक्त वीर भक्त कह रहे हैं हम कृष्ण का साइड में है कृष्ण, हम प्रलम्बारी जो बलदेव को भी हम ग्राह्य नहीं करते हैं, हैं उनको भी हम नहीं डरते हैं, हैं और ताहर द्वारा हमारा की कार्य साधन है, बलदेव प्रभु से हमारा क्या काम होगा, और प्रद्युम्न का उसको प्रद्युम्न को द्वारा भी हमारा क्या होगा, उनको भी हम प्रभाव नहीं करते। बोले क्यों, कृष्ण का कृपा कटाक्ष हमारे साथ में कृष्ण है, हमारे साथ में कृष्ण है, जब कृष्ण हमारे साथ हम किसको भूखे नहीं करते। जैसे कहते ना एक श्लोक है, इसमें श्लोक में कह रहे हैं हम लोग राधा रानी की दासी बन करके कृष्ण को भी भूखे नहीं करते, हम किसी को भी हम ग्राह्य नहीं करते, क्यों, राधा रानी की कृपा के बल पर, राधा रानी की कृपा, कहते ये बल, ये कहते ये वीर भक्त का है, जो वीर रस का भक्त है उनका ये उदाहरण है। प्रेयस श्रेष्ठ सत्य भामा कहो, कहते प्रेय से श्रेष्ठ सत्य भामा को भी हम नहीं गिनते हैं, कहते ये वीर भक्त का। तब यहाँ पर कहते हैं भैया ऐसे कर बोल रहे तो गड़बड़ी बात है, हम बलदेव प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रद्युम्न को भी नहीं मानते हैं, सत्य भामा को भी नहीं मानते, तब ये बड़े रुखापण दिखता है ना, रुखापण दिखता है। बोले नहीं, वीर भक्त अंदर, वीर जो भक्त है उनके अंदर में सरसता होने पर भी, लेकिन ये कौतिक है, ये कौतिक विशेष को द्वारा गर्व व्यंजन धरता है वे, नतुवा बेरस अनिवार्य, ये मत समझो उनके अंदर में दाम्भिकता नहीं। एक का पक्ष लेना मतलब है वो एक व्यंजन क्या है,
कहते ये कौतुक बात है ये, लेकिन इसको मत समझो, अरे हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं, ऐसे नहीं सोचनी चाहिए है। इसलिए यहाँ पर अपना भजन कर तारा के ही वर प्रार्थना करें। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो भगवान के चरण में ये जगत का किसी चीज को प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल क्या प्रार्थना करते हैं, कहते प्रभु केवल आपका भक्तों का संग, आपके चरण की सेवा उनको चाहिए और किसी चीज को उनको नहीं चाहिए। इसलिए कहते जो पृथ्वी महाराज, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी महाराज जब राज्य तो कर रहे थे, उनका राज्य में एक विशेष चीज था, बोले क्या है कि ये जो अच्युत गोत्रीय जो वैष्णव लोग है और जो ब्राह्मण लोग, हर समय कहते थे कभी भी ब्राह्मण वैष्णव को कभी असम्मान नहीं करना, क्योंकि भक्तों का हृदय में ब्राह्मण जो शुद्ध ब्राह्मण है उनके हृदय में भगवान का निवास, कभी भी इनको अनादर नहीं करनी चाहिए। और हर समय क्या बोलते थे, सभी को भगवत भजन की उपदेश देते थे, राजा जिसमें राज्य तो कर रहे थे। इसलिए जिस राज्य में है, जिस राज्य में राजा भगवान के भक्त होगा ना, भगवान की भजन करने वाला होगा, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, जैसे हमारे अम्बरीश महाराज जब रहते थे क्या करते थे, सब प्रजाओं को भजन कराया करते थे, सब के सब भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम करो, भगवान का कीर्तन करो, हैं कीर्तन करो। एक राजा थे ऐसे हुए हैं जो कहते थे मेरे देश में जो सोलर माला नहीं करेगा उसको राज्य से निकाल दूंगा, मेरे देश में कंपलसरी सोलर माला करना पड़ेगा है। इसलिए वो क्या नाम है, हाँ, गोपाल चांदेर बेगार खाटा, प्रभुपाद ने एक प्रभुपाद का एक स्टोरी है, गोपाल चांदेर बेगार खाटा, मतलब राजा का निर्देश था मेरे देश में सबको सोलमला करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा उसको देश से निकाल दूंगा। हाँ, और रुक्मागध महाराज, मेरे देश में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, हैं एकादशी व्रत सबको रखना पड़ेगा, सबसे भगवान का भजन कराना, यज्ञ कराना भगवान। पहले राजा लोग ऐसे ही होते थे, अभी का राजा से हमारे भाग्य से तो मोदी कैसे आ गया, हाँ भाग्य से मोदी कैसे आ गया जो कि भगवान के भक्त बन गए। इसलिए कहते वो राजा सबको बोलते थे सबको सम्मान करना चाहिए हैं। इसलिए महाराज ने भक्ति सवाय इनकी जो भक्ति जितने प्रजा लोग थे खूब प्रशंसा करते थे, बोले वाह धन्य राजा है, ऐसे हमें राजा मिला जो भजन करता है, दूसरों को भजन की प्रेरणा भी प्रदान करता है, हैं। इसलिए हमारे जो स्वामी महाराज थे ना, स्वामी महाराज इनके अंदर में यह संकल्प था, क्या संकल्प था, संपूर्ण भारत को एक पहले जैसे राजा लोग होते थे संपूर्ण भारत को ऐसे बनाएंगे। उस समय इंदिरा गांधी थी, बोले इंदिरा गांधी को हम बनाएंगे राजमाता, हाँ राजमाता उसको बनाएंगे, और उसका बेटा कौन था, राजीव गांधी, इसको हम बनाएंगे राजा, इसको राजीव गांधी को बनाएंगे राजा, और महात्मा जी इंदिरा गांधी को मतलब राजमाता, और संपूर्ण भारत को हम कृष्ण भक्तिमय बनाएंगे। मतलब उनकी जो इच्छा थी ना, बहुत बड़ी इच्छा थी, और उनकी इच्छा थी हर 200 किलोमीटर अंतर में एक मंदिर हो, उनका ये इच्छा थी हर 200 किलोमीटर के अंदर में एक इस्कॉन मंदिर हो, क्योंकि उनकी भावना थी संपूर्ण भारत को जैसे एक दिन हम कृष्ण भक्ति, मतलब तो उनकी कितना बड़ी इच्छा थी, और सचमुच से उनको ऐसे इच्छा थी। अभी उनका उन लोगों ने ऐसे भावना भर कर गए, इसलिए अभी इस्कॉन सब जगह में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। पहले क्या है, पहले सोचो आपकी भावना जितने बड़ी होगी ना, तुम्हारी भावना जितने बड़ी होगी हैं, फिर तुम उसको पाने के लिए भी उस पे से चेष्टा कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर भावना नहीं होगी फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले सोचो, इंजीनियर बनने के लिए कितना साल से पहले सोचता है, डॉक्टर बनने के लिए कितना पहले से ही पढ़ाई तैयारी करता है, भले ही 10 साल के बाद में वो डॉक्टर बाद इंजीनियर बने, पहले लक्ष्य रखता है, लक्ष्य पहले होनी चाहिए। इसलिए इनके देश में हाँ सबके सब उन्हें भजन कराया करते थे। तो यहाँ पर कहे थे पृथ्वी का पिताजी कौन थे, बैण। ये बैण कैसे था, दुष्ट, लेकिन अधर्मी, लेकिन उसका बाहु को मंथन करने से पृथ्वी और अर्च निकली, लेकिन पिता कौन हुए, दुष्ट थे, लेकिन पुत्र की वजह से, पुत्र अगर सुपुत्र निकल जाए ना, पुत्र की कृपा से ही पिताजी का जीवन भी धन्य हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु उनका बेटा कौन था, प्रहलाद, जैसे प्रहलाद
भगवान की भजन करने का वजह से उसको पिताजी का भी जीवन धन्य हो गया। प्रहलाद है जो प्रहलाद बोले ना मेरे पिताजी को, अब कभी जो बोले वर्मा को बोले प्रभु मेरे पिताजी को कभी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। बोले तुम पिताजी का बात क्यों कर रहे हो, जिस वर्ष में एक पुत्र सुपुत्र जन्म लेता है उसका तो 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, इसलिए 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, त्रिसप्त भी पिता पुत्र, पिताजी 21 पीढ़ी उधार हो गए, इसलिए वंश में अगर कोई वैष्णव पुत्र जन्म ले लिया तो वो वंश पूरा के पूरा वंश धन्य हो जाता है ये वंश। इसलिए सर्वोदय चित घन इंद्रादि नाम उच्चारण करे श्रद्धा सहित ब्राह्मण मुखान। देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया श्लोक कह रहे, बोले अस्नात्यनंत खलुत्वत कोविदयी श्रद्धा हुत जन मुख इज्जानाम अभी नवई तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस परज्यागु। यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई भगवान अनंत सर्वंतर्यामी उचित घन विग्रह, भगवान कौन है, ये अनंत है, ये सर्व अंतर्यामी है और भगवान सच्चिदानंद रूपाय भगवान है। यज्ञ विधि गण इंद्रादि नाम उच्चारण क्रिया श्रद्धा सहित, बोले जो यज्ञ करते हैं है? जैसे यज्ञ करके उसमें कहते हैं इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, जैसे उसमें स्वाहा 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 करते हैं, जो लोग यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते हैं देवा देवियों का नाम ले करके, भगवान उसमें जितने संतुष्ट होते हैं उससे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। अगर कोई भगवत प्रिय ब्राह्मण, अगर भगवत प्रिय अगर साधु अगर उनको भोजन कराने से भगवान जितने संतुष्ट होते हैं उतना संतुष्ट ये यज्ञ में स्वाहा व यज्ञ में आहुति देने पर भगवान उतना संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अचेतन अग्नि थे, अचेतन अग्नि में होम करने से उतना संतुष्ट भगवान नहीं होते हैं जितने साधु और वैष्णव को भोजन कराने से होता है। क्योंकि जो भगवान कहाँ पर बैठे हैं, ब्राह्मण जो शुद्ध ब्राह्मण है जो भजन परायण और जो भगवान की भक्ति करते हैं जो साधु, वहाँ ठाकुर जी बैठे हुए, जब हम उनको संतुष्ट कर देते हैं कितना वैष्णव हृदय से था गोविंद विश्राम, गोविंद कहाँ रहते हैं, बोले वैष्णव का हृदय में रहते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते अपने आप। इसलिए निर्गम महाराज कहता है ना, इसलिए निर्गम महाराज ने केवल उनने कितने दान दिया, गैया दान दिया ब्राह्मणों को, कहते रेतियों को कोई गिन सकता है और उसको बारिश का बूंद कोई गिन सकता, लेकिन प्रभु दान को कोई गिन नहीं सकते इतने, लेकिन इसका फल स्वरूप में क्या हुआ, गिरगिट जाकर बने, लास्ट में गिरगिट बने, लेकिन कोई एक शुद्ध साधु घर में आ गया था उनने उनको भोजन कराया था और केवल एक भागवत ग्रंथ उनको दान दिया, इसका फल क्या हुआ, कृष्ण दर्शन, कृष्ण का चरण स्पर्श, कृष्ण दर्शन और उनको भगवत प्राप्ति हो गई केवल एक शुद्ध साधु की सेवा करने पर। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यज्ञ में आहुति देने में जितने संतुष्ट होते उससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब ब्राह्मण वैष्णव को जब भोजन कराए। इसलिए जब श्री पृथ्वी महाराज जी जिस समय अपना पराक्रम के द्वारा उन्होंने अपना प्रजा पालन कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, भगवत इच्छा से जैसे सूर्य जैसे चमचमाता है सूर्य जैसे तेज स्वरूप, एक दिन चतुसन उनके घर में श्री चतुसन आते हैं, चतुसन आने पर महाराज देख करके ये भगवत आदिष्ट हो करके ये चतुसन इनके घर में आए, जब इनके घर में आए उन लोगों को पृथ्वी महाराज ने यथाजोग्य उनको सम्मान किया, उनको उन्होंने सेवा किया है। जब सेवा करके पृथ्वी महाराज उनको प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, कहते हे प्रभु आप कृपा करके ये बताओ जीवों का परम श्रेय है, परम श्रेय का उपाय बताओ, मतलब जीव का जो परम श्रेय, मतलब श्रेय मतलब श्रेय और होता है प्रेय है, कहते एक श्रेय एक प्रेय, प्रेय मतलब होता है जो आपात सुख है, थोड़ी समय के लिए सुख है लेकिन बाद में दुख का कारण है, और श्रेय मतलब होता है जो एक बार जो सुख प्राप्त करने पर कभी वो सुख कभी नहीं जाएगा, वो आनंद कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए जीव का ऐसे कौन सा उपाय है जीव को जो परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होगा, आप कृपा करके आप बताओ। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न किया तब यह कहते हैं, बोले अधना अपित धन्या
साधव गृह मेधिनम जदगृहे हर बरहाम्बु त्रीण भूमि स्वरा स्वरा बरा। यहाँ पर कहते हैं अधना अपित धन्या साधव गृह मेधिनम, कहते एक व्यक्ति अधनी हो करके भी अधना हो करके भी वो व्यक्ति धन्य है, हैं? कहते कौन है अधनी होता घर में कुछ इतना नहीं धन लेकिन तब भी वो व्यक्ति धन्य, बोले किस कौन व्यक्ति धन्य है, कहते जिनकी घर में कोई अगर अतिथि आए कोई साधु गुरु वैष्णव आए जिनकी घर में उनको सेवा शुश्रूषा की जाती है, हम इनका सेवा शुश्रूषा किए जाए, बोले जद गहा जे सकल साधु गृहस्थ गणे हैं, बोले जे सकल साधु गृहस्थ गणे गृहे अर्ज्य वर्ज्यम अपना दर न्याय पूजनीय साधु गणेर ग्रहण योग्य जल प्रभृति रही आचे सही गृह धन्य। इसलिए यहाँ पर कहते जैसे चतुसन आए पृथ्वी महाराज के घर में, जैसे पृथ्वी महाराज के घर में आए कहते वह गृह धन्य है जो घर में साधु संत आने पर जिनको यथा योग्य आदर की जाती है, आदर की जाती वो गृह धन्य है गृह। तब कहते कैसे धन्य है, तब यहाँ पर कहते हैं अगर तुम्हारे घर में भोजन नहीं, गृहस्थ तुम्हारे घर में भोजन है नहीं, तुम साधारण व्यक्ति गरीब व्यक्ति हो लेकिन होने पर भी, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता तुम्हारे घर में पानी तक भी नहीं, पानी तो जरूर होगा तुम्हारे घर में, अगर कोई व्यक्ति आए उसको तो एक गिलास तुम पानी दे सकते हो, हमारे घर में कुछ नहीं आप पानी दे सकते हो। अगर तुम्हारे घर में पानी भी नहीं, मानो तुम्हारे घर में पानी है नहीं लेकिन बैठने के लिए तो कोई आसन तो हो सकता है, पानी नहीं तो आप कृपा करके यहाँ पर बैठो इतना तो कर सकते हो तुम। अगर वो भी नहीं है, हैं वो भी नहीं परिष्कृत भूमि नहीं, कहते उसको नहीं होने पर भी कहते तुम्हारे पास में मिट्टी दो बोली तो हो सकता है, हैं कुछ नहीं मिट्टी दो बोली तो बोल सकते, आप कैसे हो कैसे आए हो हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं, दो मिट्टी बोली तो बोल सकते हो, हैं मिट्टी बोली तो बोल सकते हो। अगर वो भी नहीं हो सकता है, हैं कहते भैया एक बार उनको प्रणाम तो कर सकते हो, भाई संत आ गए, अगर आप मिट्टी बोली नहीं बोल सकते हो एक बार तो उनको प्रणाम भी तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। इसलिए गृह स्वामी तार अभावे अबरा अश्रुपूर्ण हाँ पानी पानी पातादीर निमित्त गृह बासो तार पुत्र गलत गृह विद्वान से गृह निर्धन है लो प्रसन्न। इसलिए कहते हैं अगर वो भी नहीं हो सकता है प्रणिपात नहीं कर सकते हो, कहते हैं उनको प्रणिपात निमित्त गृह बासो तार पुत्र गलत गृह विद्वान हाँ कहते उनको प्रणाम तो कर सकते हो, अश्रुपूर्ण आंसू से उनको प्रणाम तो कर सकते हो, कहते वे गृह धन्य हैं, वो निर्धन होने पर भी वो गृह प्रशंसनीय है जो अतिथि को सम्मान करते हैं। लेकिन जिस घर में ये सब चीज है ही नहीं लेकिन जो घर में किया है, बोले प्याला लय द्रुमा बई ते अपि रिक्ताखिल संपद जदगृहस्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जित। देखो इसको ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बता रहे हैं, कहते ब्याला लय द्रुमा हैं, कहते अगर किसी घर में ब्याला लय द्रुमा, यहाँ पर कहते सर्प तुल्य कटुवाक्य रूपी विष वर्षीन, अगर किसी घर में ऐसे पुत्र ऐसे उनको पुत्र का जो पत्नी बा परिवार में अगर ऐसे बोली बोलते हैं जैसे सर्पतुल्य सांप जैसे डांसता है ना, सांप क्या करता है काटता है सांप, अगर किसी घर में ऐसे हो जो केवल कटुक्ति बोलते हैं, हैं उनका बहू उनकी बेटा उनकी परिवार लोग क्या बोलते हैं कटुक्ति, केवल कठोर शब्द बोलते हैं, कोई मिठी शब्द घर में है नहीं, कठोर वाक्य छोड़कर कोई मिठी शब्द नहीं, कहते सर्पतुल्य सर्प जैसे हर समय क्या करता है काटता रहता है, अगर किसी घर में सर्पतुल्य केवल कटु वाक्य बीस बरसी जैसे केवल बीस जहरी बरसता है, अगर ऐसे पुत्र कलादीन बास जहाँ पर ऐसे अगर जिस घर में ऐसे बास है ना वो क्या है, जैसे सर्प जैसे जिस बिल में निवास करता है
एक सांप होता है ना बिल में रहता है, वो घर घर नहीं, वो सर पर रहने वाले एक बिल है, जिस घर में केवल कठोर वाणी, कोई प्रीति नहीं, कोई ममता नहीं, केवल हर समय कठोर कठोर वाणी है। वृक्ष तुलसी रूप गृह जहारा बास करे हैं, तादर छाया को स्पर्श करना, इसलिए ऐसे घर में जो लोग बास करते हैं उनका छाया भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अरिक्ता खिल संपदा, इसलिए भले अरिक्ता कहते भले ही उसको पास में हैं, अरिक्त अर्थात शून्य नय अखिल धन रत्न संपद बल, लेकिन घर में धन दौलत से परिपूर्ण है, घर में किसी चीज की कमी नहीं घर में, लेकिन प्रेम प्रीति है नहीं घर में, हैं प्रेम प्रीति नहीं, केवल जैसे जहर जैसे बोलता है मुंह से वाणी, कहते वो जो घर है सारे संपत्ति तीर्थ होने पर भी हैं, जहाँ पर वैष्णव का सम्मान नहीं होता है, पाद प्रकाल वर्जित है, वैष्णव जाने पर अतिथि जाने पर जिस घर में संस उनको के लिए उनको अभ्यर्थना नहीं है, वो क्या है बोले सर्प तुल्य, जैसे सर्प जिस बिल में निवास करते हैं वो घर केवल सर्प पर रहने वाले केवल बिल है, वो घर घर नहीं, इसलिए अनाय से मंगल होते पारे बदल, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री पृथ्वी महाराज चतुसन को, इस बात को चतुसन को कह रहे हैं, वही घर धन्य है जिस घर में अतिथियों का आदर हो, अगर खाने पीने का कुछ नहीं, पानी दे गिलास, पानी नहीं बैठने के लिए आसन, वो भी नहीं, दो मीठी बोली अगर बोल दोगे तो तभी कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, इसलिए घर में कठोर वाक्य नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो सर्पों का बिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्प जैसे रहते हैं कभी बिल हो जाएगी, इसलिए कभी भी घर में किसको कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, कम से कम घर में मीठी मीठी बोली, सबको मीठी मीठी बोली से सबको सम्मान करनी चाहिए। बोले श्री पृथ्वी महाराज की, बोले श्री चतुसन की, वंशा कल्पतरु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।